इंडिया में ना सेलिब्रेटेड एंटरप्रेन्योर्स नहीं थे ज्यादा, अगर आप देखो तो बड़े नाम याद आते थे, टाटाज, अंबानीज, अडानीज, ये यू नो दे यूज टू बी द एंटरप्रेन्योर जिनका नाम होता था मार्केट में, बट यंगर जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स में ज्यादा नहीं होते थे। शार्क टैंक से एंटरप्रेन्योरशिप भी सेलिब्रेट होने लगी इंडिया में। सीजन वन और सीजन टू की जर्नी बहुत सही थी, बहुत मजा आया। जब शो आया, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आया, सडनली ओवरनाइट एक अलग फीलिंग आने लगी। मेरे को तो ये लग रहा है मेरे साथ हुआ क्या है। अगर आप फॉलोअर देखो तो ऐसे बढ़ रहे हैं, पीपल स्टार्टेड लविंग अस सो मच, लोग हमारे पास सेल्फी खींच रहे हैं, तो मेरे को समझ आ रहा था कि हो क्या रहा है। शार्क टैंक से इफेक्ट तो बहुत अच्छा है, और पर्सनल लेवल शार्क टैंक हैज हेल्प्ड अस अ लॉट। हाय शार्क्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ डुंगरवाल एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ एट स्निच। सिद्धार्थ जो है ना वो वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स इन सीजन टू मेरे हिसाब से था। आई थिंक जैसे उसकी स्टोरी डेवलप हुई। आपका खुद का बहुत बेसिक डिजाइन है आपने जो पहना। नहीं सर, ये मैंने आपसे ही सीखा कि ब्रांड लगा के चलो। फिर उसने अपने बताया कि उसके फादर की भी एक शॉप थी, फिर उसने अब फादर को बहुत प्राउड किया। आई वुड गिव दिस एंटायर क्रेडिट टू माय फादर इटसेल्फ। हर फादर चाहता है कि उनके बिजनेस को आप ग्रो करो। ग्रेट गाय, इमोशनल हसलर, और ऐसी कैटेगरी ना बड़ी टफ कैटेगरी है, बट आई थिंक ये बंदा फुल है। एनी का डेमो देने आ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, समवन हु नोज एनी बेटर देन ऑल ऑफ अस। आई लाइक टू इनवाइट प्रथमेश सिन्हा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग विजुअली इंपेयर्ड, ही हैड अ ग्रेट विजन एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स ऑन शार्क टैंक। आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं प्रथ? सर मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं। आपको लगता है एनी आपका आईएएस ऑफिसर बनने में मदद करेगा? इसका अपडेटेड वर्जन आता जाएगा तो क्या पता ऐसा वर्जन आ जाए जिसमें मदद भी करते। अरे वाह, तो आप भी शेयर होल्डर हैं क्या एनी में? ब्रांड एंबेसडर। जिसका ये डेमो देने आया था उसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने इसमें and you know we've invested a lot of time effort. He's come to our office, we made him the CEO for one day. He aake usne motivational speech bhi di thi hamare office mein aake ek din. Mujhe boat ki tagline bahut pasand hai, do what floats your boat, means follow your passion. Aur main is baat mein kafi zyada believe karta hu, because following your passion is a stress buster. इससे तो हमारा दिल का कनेक्शन हो गया था। फर्स्ट डे जब मैं गया तो एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने कि ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप इतने यू नो, जैसे मुझे याद है झाजी अचार, मोमो मामी और वो केरला चिप्स, कहाँ कहाँ से लोग एंटरप्रेन्योर छोटे छोटे टाउन से, और क्या क्या सपने देख के आए हुए थे और क्या क्या उनके बिजनेस मॉडल्स बनाए हुए थे, उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। मोमो मामी, यू वांट टू सी हिज एक्सप्रेशन? बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत मतलब उनका पता नहीं था, बट अपने अपने जगह पे वो अच्छा अच्छा काम कर रहे थे। शार्क टैंक तो यार बहुत अच्छा है कंट्री के लिए, क्योंकि यू नो अगर आप देखो, जैसे मैं बता रहा था, एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छा है कि उनका ओवरनाइट ब्रांड बन जाता है, पूरे इंडिया देख रही है, इतने सारे लोग देख रहे हैं। फॉर द कंट्री ऑल्सो, इफ यू सी दैट देर इज सो मच ऑफ startup revolution happening.